तो ओके गाइस, मेरे परव्यू वीडियो पर देखे थे कि स्टेप्स यहाँ पे वीडियो को एडिटिंग किया हुआ था, लेकिन वो स्टेप्स वन क्लिक के अंदर आप सबको परव्यू वीडियो की तरह वीडियो एडिटिंग करके बताऊंगा कि स्टेप्स आप यहाँ पे एक ट्रेंडिंग यहाँ पे स्लो मोशन यहाँ पे एक ट्रेंडिंग इफेक्ट के साथ आप सबको वीडियो क्रिएट करना सिखाऊंगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग कैपकट एप्लीकेशन की मदद से इस रील्स को एडिटिंग करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट सिंपली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को एडिटिंग करने के लिए आप सबको सबसे पहले कैपकट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। लाइक इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस खुलने को कुछ स्टेप से दिखेगा। कैपकट एप्लीकेशन आप सबको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना। लाइक न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आप सब यहाँ पे देख सकते हैं जितना आपके यहाँ पे फोन में डिवाइसेस में जितने यहाँ पे रहेंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे वीडियो। तो लाइक आप सब जो भी वीडियो को एडिटिंग करना चाहते हो, लाइक वो वाले जो वीडियो शूट किए होंगे सिंपली उस वाले को ऐड करना। लाइक उस वाले को ऐड करने के बाद ऐड पर टैप करना है। लाइक ऐड पे टैप हो जाने के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ स्टेप से शो होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका वाटरमार्क लास्ट में मिलेगा। सिंपल इसको सेलेक्ट करना, उसके बाद इसको डिलीट कर देना। डिलीट हो जाने के बाद आप सबको अपने फर्स्ट वीडियो के लेयर पर आना है, लेंथ में आना है। उसके बाद यहाँ पे एक यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन दिखेगा। लाइक आप सबको अपने वीडियो पर टैप करना। अपने वीडियो पर टैप करने के बाद स्पीड पर क्लिक करना। लाइक स्पीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बार कर्व पर टैप करना। लाइक कर्व पर टैप हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो सिंपली एक यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन दिखेगा। तो लाइक आप सबको कस्टम पर टैप करना है। कस्टम पर टैप हो जाने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ स्टेप शो होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कुछ स्टेप शो हो जाने के बाद यहाँ पे कस्टम पर क्लिक करना है। उसके बाद आप सबको सिंपली आप सबको यहाँ पे देख सकते हो इस वाले को आप सबको यहाँ पे एक बीट ऐड करना है। यहाँ पे देख सकते हो तीसरा लेयर में आप सबको आना, उसके बाद ऐड बीट पर टैप करना। ऐड बीट पर टैप हो जाने के बाद आप सबको सिंपली इस वाले को कुछ स्टेप से रोटेट करके आप सबको कुछ स्टेप से कर देना। यहाँ पे देख सकते हो तो इस स्टेप से हो जाने के बाद मैं अपने यहाँ पे वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। कुछ स्टेप से मेरा वीडियो बनकर यहाँ पे रेडी होगा। तो सिंपली इस स्टेप से आप सबको अपने वीडियो को कुछ स्टेप से रोटेट करना। रोटेट हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो सिंपली फिर से ऐड बिट पर टैप करने के बाद सिंपली इसको ऊपर पे लाना कुछ स्टेप। तो इस स्टेप से शो हो जाने के बाद आप सबको सिंपली यहाँ पे रैट का ऑप्शन पर टैप कर देना। फिर से रैट का ऑप्शन पर क्लिक करना। रैट का ऑप्शन पर टैप हो जाने के बाद आप सब यहाँ पे देख सकते हो सिंपली हम लोग इसमें अब इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो लाइक इफेक्ट ऐड करने के लिए इफेक्ट पे टैप करना, वीडियो इफेक्ट पे टैप करना है। वीडियो इफेक्ट पे टैप हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ स्टेप से आपके शो स्क्रीन पे शो होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस इफेक्ट को ऐड करेंगे। इसी इफेक्ट की मदद से हम लोग इस वीडियो को एडिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ट्रेंडिंग इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक ब्लर इफेक्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे डायमंड ब्लर इफेक्ट, हेलो ब्लर, यहाँ पे बहुत सारे ब्लर इफेक्ट मिल जाएंगे। तो लाइक आप सबको यहाँ पे डायमंड जूम सिंपली इस पर आप सबको टैप करना है। लाइक इस पर टैप हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ स्टेप से शो होगा। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना, ये लोडिंग लेगा। ये डाउनलोड होने में इफेक्ट थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप सबको कुछ सेकंड वेट करना। आप सबको यहाँ पे अपने जूम यहाँ पे डायमंड ब्लर को ऐड करना। लाइक ब्लर को ऐड हो जाने के बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने ब्लर को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कुछ स्टेप से अपने ब्लर एडजस्ट भी कर लेना है। एडजस्ट हो जाने के बाद रैट के ऑप्शन पे टैप करना है। लाइक रैट के ऑप्शन पे टैप हो जाने के बाद अपने वीडियो को कुछ स्टेप से प्ले करना। लाइक प्ले हो जाने के बाद जहाँ पे आप सबको यहाँ पे वीडियो सोलो होता है, लाइक वहाँ पे आप सबको एक कट लगाना, स्प्लिट पर टैप करके कट लगाना। उसके बाद सिंपली इस वाले को ब्लर को सिंपली अपने लास्ट वीडियो के अपने यहाँ पे लास्ट क्लिप तक लाना है। उसके बाद फर्स्ट लेंथ में आने के बाद वीडियो पर टैप करना है, वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना। उसके बाद आप सबको यहाँ पे एक स्प्लिट यहाँ पे देख सकते हैं, स्प्लिट फ्लिकर का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली इस पर आप सबको टैप करना। लाइक इस पर टैप हो जाने के बाद आप सबको भी इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है कुछ स्टेप से। लाइक यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरह से एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद आप सबको फिर से इसको भी आप सबको रैट का ऑप्शन पर टैप करने के बाद अपने जहाँ पे आप सबको ये डायमंड ब्लर है सिंपली उसी जगह पर आप सबको लाना है। उसके बाद आप सब यहाँ पे देख सकते हो सिंपली अपने वीडियो के यहाँ पे दूसरा लेंथ में आना है। उसके बाद वीडियो इफेक्ट पे टैप करना है। लाइक वीडियो इफेक्ट पे टैप हो जाने के बाद स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे स्प्लिट का एक ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हो। तो स्प्लिट पर टैप करना है। लाइक स्प्लिट पर टैप करने के बाद यहाँ पे सारे इफेक्ट लोडिंग लेगा। तो कुछ सेकंड वेट करना। लाइक वेट हो जाने के बाद यहाँ पे एक थर्ड लेयर यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, थ्री यहाँ पे स्क्रिप्ट। तो सिंपली थ्री स्क्रीन पर आप सबको टैप करना। थ्री स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड फिर से वेट करना है, क्योंकि ये इफेक्ट लोड होता है तो आप सबको वेट करना। लाइक वेट हो जाने के बाद एडजस्ट पर टैप करना। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो सिंपली आप सबको इसको एडजस्ट करना है। तो सिंपली आप सबको थर्ड लेयर वीडियो को भी आप सबको यहाँ पे अपने ऐड करना। ऐड हो जाने के बाद अपने लास्ट पार्ट पे आना है। उसके बाद सिंपली इसको आप सबको यहाँ पे लास्ट पार्ट पे आने के बाद स्प्लिट कर देना, ये आप सबको इसको कट करना है। तो लाइक आप सबको दूसरा लेयर में आना है। दूसरा लेयर में आने के बाद अपने दूसरा लेंथ में आप सबको क्लिक करना, वीडियो के लेंथ में। उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन दिखेगा।
तो एनिमेशन पर क्लिक करने लगे। एनिमेशन पर क्लिक हो जाने के बाद यहाँ पे आपके स्क्रीन पे कुछ स्टेप से बहुत सारे एनिमेशन शो हो गए। उसके बाद आप सबको जूम वन पर टैप करना लगे, आप सबको यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन आप सबको खुलने को दिख जाएगा, आप सबको खुल जाएगा। उसके बाद देखने को आप सबको बहुत सारे यहाँ पे एनिमेशन मिल जाएगा। तो लाइक आप सबको जो एनिमेशन ऐड करना चाहते हो, जो अपने वीडियो के अकॉर्डिंग शूट करता है, वो आप एनिमेशन को आप ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपने जूम वन को ऐड कर लिया हूँ। उसके बाद आप सबको राइट को ऑप्शन पर टैप करना लग, राइट को ऑप्शन पर टैप हो जाने के बाद लास्ट वीडियो को लेंथ में आना है। उसके बाद बॉडी इफेक्ट पर टैप करना है। लाइक बॉडी इफेक्ट पर टैप हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे बॉडी इफेक्ट लोड लेगा, कुछ सेकंड आप सबको वेट करना है। तो आप सबको यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे। तो लाइक आप सबको स्क्रोल करना कुछ स्टेप से, लाइक स्क्रोल करने के बाद यहाँ पे एक कलोन का ऑप्शन दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे आप सबको कलोन पर टैप करना, लाइक कलोन पर टैप करने के बाद आप सबको यहाँ पे देख सकते हो सिंपली आप सब जो भी यहाँ पे अपने यहाँ पे इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, फैंटम इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे फैंटम फैस्ट आप सब जो भी यहाँ पे इफेक्ट को ऐड करना चाहते हैं, लाइक वो वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपने यहाँ पे फैंटम फेस वाले इफेक्ट को ऐड करता हूँ। लाइक आप सबको फैंटम भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो लाइक आप यहाँ पे अपने फैंटम को भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट आप सबको मिल जाएंगे। तो लाइक आप सबको यहाँ पे फैंटम ऐड करना है या फिर यहाँ पे पॉप आउट यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फैंटम ऐड करके रेड ऑप्शन पर टैप करना है। ये इफेक्ट बहुत सारे लोग को नहीं मिलता है, तो लाइक आप इसको ऐड कर लेना। लाइक ऐड हो जाने के बाद मेरे यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरह से यहाँ पे मेरा वीडियो पूरी तरह से यहाँ पे एडिटिंग होकर आ चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने थर्ड लेयर में वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो आप अपने यहाँ पे थर्ड लेयर में एनिमेशन आप ऐड कर सकते हो। एनिमेशन पे टैप करना है। लाइक एनिमेशन पे टैप हो जाने के बाद अपने कोई भी आप सबको एक इफेक्ट पे ऐड करना है, यहाँ पे कॉम्बो वोम्बो जो भी आप सबको ऐड करना चाहते हैं लगवा वाले ऐड करना। उसके बाद ऐड का ऑप्शन पे टैप करना। ये पूरी तरह से आप सबको थर्ड लेयर वीडियो यहाँ पे बॉडी इफेक्ट हेलो ब्लर यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट के साथ मिल जाएंगे। तो लाइक इसको इतना हो जाने के बाद मेरे वीडियो पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। कुछ स्टेप से मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद आप सब ऊपर पे इसको एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर पे एक्सपोर्ट पर टैप करना। लाइक एक्सपोर्ट पर टैप हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये पूरी तरह से मेरे वीडियो एक्सपोर्टिंग हो रहा है।